नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। पीएफआई परीक्षण को लेकर बोले राहुल गांधी, सांप्रदायिकता के मामले में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष का पद एक संगठन नहीं विचारधारा है, राहुल गांधी का कहना। पंजाब में सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का हुआ इस्तेमाल। अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई 15%। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र रद्द होने के बाद भगवंत मान ने की विधायकों संग बैठक। देश भर में एनआईए की छापेमारी के विरोध में सड़कों पर उतरे पीएफआई और एसडीपीआई के कार्यकर्ता। यूपी के इटावा में दीवार गिरने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत। देश के कई राज्यों में एनआईए और ईडी की रेड, पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोग हुए गिरफ्तार। कोयला घोटाले मामले में सीबीआई ने 10 साल की जांच के बाद आरपीजी ग्रुप की कंपनियों पर दर्ज किया एफआईआर। और ईरान में हिजाब अनिवार्य करने के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है विरोध प्रदर्शन, सरकार ने बैन किया इंटरनेट।